आनंद स्वरूप भगवान का है। संसार के न जाने कितने व्यक्ति प्रभु के दरबार में आकर न जाने कितनी समस्याएं लेकर आते हैं, कौन कौन क्या क्या नहीं कहता प्रभु से, लेकिन कभी आपने देखा कि ठाकुर जी के चेहरे पर जरा भी उदासी आई हो, माथे पर लकीरें आई हो टेंशन की, भाई आज तो बहुत ज्यादा लोड हो गया, कभी नहीं होता, वो आनंद में है। इसीलिए जब तक आप और हम आनंद में हैं, तब तक हम और आप भगवान के स्वरूप जैसे ही हैं, क्योंकि भगवान का ही तो अंश है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप और हम भगवान का अंश हैं, तो जब आप और हम भगवान का अंश हैं तो फिर भगवान की तरह हर समय मुस्कुराते रहिए। देखो इस कथा में हमारा टॉपिक यही है, मुस्कुराते रहिए। आपको मुस्कुराना पड़ेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा, प्रेम से कहो राधे राधे। जानते हैं संसार है, संसार की बहुत सारी हवाएं हैं, कोई मेंटली, कोई फाइनेंशियली, कोई फिजिकली, कोई फैमिली कॉम्प्लेक्स, लेकिन प्रभु के अंश हैं ये, बार बार रिपीट करिए, प्रभु के अंश हैं, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि प्रभु हमेशा आनंद में रहते हैं। नंद और यशोदा के यहाँ पर जब प्रभु पहुंचे तो क्या गाया गया, यशोदा घर कृष्ण भयो, ऐसा गाते हैं नंद घर कृष्ण भयो, ऐसा गाते हैं, तो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। ये आनंद जो है, हैप्पीनेस जिसे हम कहते हैं, खुशी जिसे हम कहते हैं, यही भगवान का स्वरूप है। तो हमें अपना स्वरूप नहीं भूलना चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं। हर समय क्या करते रहना चाहिए, क्या करते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए।